हालांकि मैं जो भल्लादेव के रथ की तरह जो अपनी गाड़ी में मॉडिफिकेशन करवाना चाहती हूँ, जो दो हैलोजन लाइट लगवाना चाहती हूँ, उसके पीछे मेन कारण यही है कि लोग पास ना आए, लोगों को लगे ना, बस लोग उससे डरे और उससे दूर रहे। फेमस होने के लिए लोग क्या कुछ नहीं कर गुजरते, कुछ वीडियो बनाते हैं, कुछ रील्स, तो कुछ अजीबोगरीब करतब कर देश और दुनिया में छा जाने की तमन्ना रखते हैं। हालांकि नाम और फेम हर किसी को नहीं मिलता, फिर भी लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ऐसा ही एक कारनामा एक मोहतरमा ने कर दिखाया। उक्त मोहतरमा की अजीब डिमांड सुनकर अधिकारी भी पशुपेश में पड़ गए कि क्या करें और क्या ना करें। दरअसल 8 माह की इस गर्भवती महिला ने संभागायुक्त, कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर और यातायात SP को आवेदन देकर अपनी कार में मॉडिफिकेशन करवाने की बात कहते हुए बाहुबली फिल्म के भल्लाल देव की तर्ज पर कार के आगे चक्र लगाने की अनुमति मांगी है। छोटा बांगड़दा रोड स्थित लीड्स एनक्लेव में रहने वाली कनुप्रिया सत्तन ने आवेदन दिया है। कनुप्रिया ख्यात कवि सत्यनारायण सत्तन की पुत्री हैं। अब आप भी सुनिए क्या लिखा है आवेदन में। मैं कनुप्रिया सत्तन इंदौर के एयरपोर्ट क्षेत्र में रहती हूँ। अपने घर से ऑफिस जाने के लिए मैं अपनी कार का इस्तेमाल करती हूँ। मैं अपनी कार में एक मॉडिफिकेशन करवाने के लिए आपसे अनुमति चाहती हूँ। मेरी कार का नंबर MP09CX3899 है। मैं बाहुबली 1 के भल्लाल देव के रथ की तर्ज पर अपनी गाड़ी में चक्र लगवाना चाहती हूँ और गाड़ी में दो बड़े हेलोजन की तरह लाइट भी। महोदय, मैं 8 माह की गर्भवती हूँ और इसके चलते मैं कई बार महसूस करती हूँ कि इंदौर की सड़कों पर गाड़ी चलाना या उसमें बैठना भी सुरक्षित नहीं है। कई लोग आते जाते गाड़ी को गलत ढंग से ओवरटेक करते हैं तो कई कट मारते हैं, खासकर ऑटो रिक्शा, लोडिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसें आदि। इतना ही नहीं, घर लौटते वक्त शहर की सड़कों पर लोग अपर देकर गाड़ी चलते हैं, इसमें बहुत परेशानी होती है। अब ऐसी अवस्था में घर बैठना ही एकमात्र उपाय रह जाता है, लेकिन ये सही उपाय तो नहीं होगा। मुझे लगता है कि इंदौर वासियों को ट्रैफिक रूल सिखाने या समझाने से बेहतर है मैं खुद को सुरक्षित रखने के उपाय करूं। इसलिए मैं गाड़ी में भल्लाल देव के रथ की तरह चक्र लगवाना चाहती हूँ और दो बड़ी हेलोजन लाइट, ताकि मुंह पर लाइट पड़ने पर मैं उनका इस्तेमाल कर सड़क देख सकूं और चक्रों की वजह से मेरी गाड़ी से लोग खुद ही दूरी बना लेंगे। इंदौर की सड़कों पर होने वाली असुविधा और अव्यवस्था के बावजूद मैं गर्भावस्था के दौरान सुरक्षित आवागमन कर सकूं। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि अनुमति देने की कृपा करें। हालांकि मैं जो भल्लाल देव के रथ की तरह जो अपनी गाड़ी में मॉडिफिकेशन करवाना चाहती हूँ, जो दो हेलोजन लाइट लगवाना चाहती हूँ, उसके पीछे मेन कारण यही है कि लोग पास ना आए, पर जो मॉडिफिकेशन मैं करवाना चाहती हूँ उसमें ये नहीं चाहती कि किसी और को हर्ट हो उससे, बस मैं इतना चाहती हूँ कि मैं उसमें कुछ रबर के हंटर की तरह लगवा सकूं। और मैंने एक इंजीनियर से भी इस बारे में बात की थी कि अगर हम लोहे का कुछ इस तरीके का लगवाएं जिसमें से लोहा ना निकल कर रबर का कुछ निकले, ताकि लोगों को लगे ना, बस लोग उससे डरे और उससे दूर रहें। तो ये एक अहम वजह है कि मैं चाहती हूँ कि गाड़ी में ये मॉडिफिकेशन हो। और जब मैं रात में अपने घर लौटती हूँ ऑफिस से, तो कई बार ऐसा होता है कि लोग अपर देकर गाड़ी चलाते हैं, बल्कि अक्सर ही ऐसा होता है कि लोग अपर देकर गाड़ी चलाते हैं, जिससे सामने सड़क देखने में काफी परेशानी होती है। उस स्थिति से बचने के लिए मैं अपनी गाड़ी में दो हेलोजन लगाना चाहती हूँ, ताकि अगर कोई अपर देकर लाइट चला रहा है तो मैं हेलोजन लगा के गाड़ी देख सकूँ कि सामने क्या है सड़क पर। तो मैं चाहती हूँ कि लोग अवेयर हों, लेकिन लोगों को अवेयर होने में मुझे लगता है थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए सुरक्षित रहने के लिए मैंने ये उपाय सोचा है कि मेरी गाड़ी में ही कुछ ऐसे मॉडिफिकेशन हो जाएं कि लोग खुद ब खुद दूरी बना लें।